hope you all are doing well. So आज आप लोगों को मैं ये मेकअप लुक अचीव करके दिखाऊंगी कि अगर आप न्यूली मैरिड हो और आप किसी दावत पे जाना चाहते हो तो ये सॉफ्ट मेकअप लुक आप कैसे अचीव कर सकते हो, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी. सो लेट्स गो. सो पहले बालों को करेंगे कैच अच्छी तरह से और देन उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए STIs का ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी. मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, यानी आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज कर देता है. और ये आप देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है. देन उसके बाद मेबेलिन का मैं ये प्राइमर यूज़ करूँगी. ये प्राइमर भी आपको बहुत ही अच्छी लुक देता है, लाइक आपकी बेस इसे बहुत अच्छी बढ़ जाती है आपके फेस पे. देन उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं ये लॉरियल की इनफ्लेबल फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. इसमें मेरा शेड है आइवरी. ये फुल कवरेज फाउंडेशन है. ये फाउंडेशन आपके फेस पे बिल्कुल भी पैचेस नहीं बनने देता, एक्स्ट्रा लाइंस नहीं बनती. रेड ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन मैंने इसलिए गीला किया क्योंकि जो जब हम ब्यूटी ब्लेंडर गीला करके अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी फेस पे जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होती है, लाइक उससे पैचेस नहीं पड़ते और फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. देन फाउंडेशन अच्छी तरह से मैंने इसलिए ब्लेंड की क्योंकि जब तक फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होती तो आपके फेस पे फाउंडेशन उठी उठी सी लगती है, लाइक बहुत केकी लुक आती है. सो कंसीलर के लिए मैं रोज़ का कंसीलर अप्लाई करूँगी. इसमें भी मेरा शेड है आइवरी. इसमें मैं अपने अंडर आईज, चीक बोन्स पे और चिन पे मैं अपने चेहरे से अप्लाई करूँगी. मिस रोज़ का कंसीलर आपको फुल कवरेज देता है, लाइक आप अगर पार्टी मेकअप कर रहे हो या बहुत ही हैवी मेकअप आपको चाहिए तो ये कंसीलर आपके लिए बेस्ट है. देन सेटिंग पाउडर के लिए मैं स्वीट टच का ये सेटिंग पाउडर अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. अच्छा, ब्रश की मदद से मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि ये अंडर आइज़ में आपको अच्छी तरह से फुल कवरेज दे देता है और पफ से जो है वो केकी लुक सी आ जाती है. बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ब्रश से ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई करो उसको. अच्छा, देन कंटोरिंग के लिए मैं ये मिस रोज़ की कंटोर किट अप्लाई करूँगी. इसमें कंटोरिंग भी है, इसमें फाउंडेशन भी है एंड कंसीलर भी है, यानी ये फुल किट में आपको ईच एंड एवरी मिल जाएगा और बहुत ही रिजनेबल इन प्राइस है. ये आप कहाँ से लोगे मैं नीचे DM में मेंशन कर दूँगी. देन ब्रश की मदद से मैं ये अप्लाई करूँगी कंटोरिंग के लिए ये शेड अप्लाई करूँगी. देन उसके बाद ब्राउनिंग के लिए मैं ये शेड अप्लाई करूँगी. इसमें मेरा शेड लाइट ब्राउन अप्लाई किया है. ब्राउनिंग आपके फेस को एक वार्म लुक दे देती है, लाइक वो चिट्टा भूत वाली फीलिंग नहीं आती आपके मेकअप पे. देन उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लेके अपनी नोज़ की कंटोरिंग करूँगी. अच्छा, नोज़ की कंटोरिंग में बहुत मज़ा आता है, लाइक आपको बहुत मज़े की लुक आ जाती है, आपकी नोज़ बहुत पतली सी महसूस होती है. और देन उसके बाद मैं ब्लश के लिए मिस रोज़ का ये पिंक ब्लश अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. अच्छा, मेरा फेस जो है ना वो बहुत बड़ा सा हो गया, लाइक आफ्टर सी सेक्शन मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है. देन बाकी मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट फेस मेरा काफ़ी बड़ा हो गया. देन उसके बाद आईब्रोज़ को मैं अपने सेट करूँगी इस स्पूली की मदद से. स्पूली ब्रश की मदद से मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट किया. देन उसके बाद मैंने मिस रोज़ का आईब्रो किट ली. देन उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट किया. आईब्रो किट ये थी मिस रोज़ की, जिसमें आपको आईलाइनर, आईब्रो शेड और क्रीम कंटूर भी आपको आई कंटूर भी मिलेगा. देन उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को अच्छी तरीके से सेट किया और उसके बाद मैंने अपनी आई मेकअप किया. अच्छा, मेरी बेटी को काफ़ी जल्दी थी, वो किसी तरह कोशिश कर रही थी कि मैं खुद भी तैयार हो जाऊँ. देन उसके बाद मैंने अपने आई मेकअप के लिए हुदा ब्यूटी का ये न्यूट पैलेट यूज़ किया. इसमें मैंने शेड ऑरेंज और पिंकिश सा लिया. दस ये शेड लिया मैंने और अपनी आईलेट पे अप्लाई किया. अच्छा, मैंने बहुत ही सॉफ्ट टच रखा अपने मेकअप में, यानी एक नेचुरल लुक आने दी, क्योंकि आजकल बहुत ही नेचुरल मेकअप इन है, लाइक वो जो बहुत हार्ड मेकअप होता है, लाइक जैसे वो चीखता चिंगारता जिसको मेकअप कहते हैं, वो आजकल नहीं चल रहा. बहुत ही सॉफ्ट लुक, इससे आपकी आईज़ बहुत ही नीट लुक आती है, आपके मेकअप में बहुत नीट लुक आती है. सो मैं आप लोगों को गर्ल्स यही रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप करो अगर आप दावत पे जा रहे हो या आप न्यूली मैरिड हो. आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइट शेड लिया. देन उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए गोल्डन शेड लिया और अपने आईलेट पे अप्लाई किया. आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया, एज यू कैन सी.
देन उसके बाद मैंने मस्कारा के लिए मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया, और उसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी की ये लिपस्टिक सॉरी लिप पेंसिल यूज़ की, मेहरूनिश सा शेड था। देन उसके बाद मैंने मिस रोज़ की ये लिपस्टिक यूज़ की, इसमें मेरा शेड था न्यूड पिंक, आप देख सकते हो मैंने बहुत ही नेचुरल मेकअप किया। और उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने ये यूज़ किया, पिंकिश सा शेड यूज़ किया। हाइलाइटर मैंने अपनी चीक बोन पे, नोज़ पे और अपनी चिन पे अप्लाई किया, अपने फेस को थोड़ा सा हाइलाइट करने के बाद ये रही मेरी फाइनल लुक। सो दिस इज माय फाइनल लुक। ये मेकअप कैसा लगा, और छोटे से इयररिंग्स लिए लाइक किए, लोग से मेकअप देखने के लिए मेरे चैनल को इजीली अचीव कर सकते हो, और मेरी वीडियोस कैसी लगी आप मुझे DMs में बताइएगा। देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।